नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वर्चायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो धड़ि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमयोण जिणम वीरम अनंतवर्णान दंशन सहावम ओच्छामिणीयम सारम केवली सुद केवली भणिदम। परम पूज्य भगवत कुंदकुंद आचार्य देव की साधना स्थली में अपन सभी लोग विराजमान हैं और अपने आप को आज से 2000 वर्ष पहले उस समय का चित्रण अपने सामने रखिए और आज के 2000 साल पहले के घटनाक्रम से अपने को जोड़िए कि जिस समय इस पौंदुरमली की पहाड़ी पर भगवान कुंदकुंद आचार्य देव आत्म साधना रत रहे होंगे और उन्हें कोई ऐसा विकल्प उस समय आया होगा कि अरे रे इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा का विरह वर्तता है और तीर्थंकर परमात्मा के विरह की वेदना इतनी जोरदार हुई कि उसमें उनके द्वारा भगवान सिमंदर परमात्मा को वंदन हुआ। कुदरत का मेल पंचम काल की अनहोनी घटनाओं की लिस्ट में एक और अनहोनी जुड़ गई। क्या जुड़ गई? वो कि भगवान सिमंदर प्रभु के समोसरण में इस बात का पता चला, इस बात की प्रतिध्वनि हुई कि भरत क्षेत्र के महासमर्थ कुंदकुंद आचार्य देव सिमंदर परमात्मा को नमस्कार करते हैं। आप जरा उस भावना की कल्पना कीजिए कि अपन ये सोचते हैं कि तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आते हैं, जन्म आते हैं, तब इंद्र के आंसन कंपायमान होते हैं, ये तो अपन ने सुना होगा, लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव को भगवान के विरह का विकल्प आवे और उसकी गूंज सिमंदर प्रभु के समोसरण में हो जाए, ऐसी अद्भुत दशा, ऐसी अद्भुत घटना, ये एक पंचम काल का अछेरा है। समझ में आगे नहीं है? तो जब वो जो भी प्रसंग बना और यहीं से भगवान कुंदकुंद आचार्य देव इसी पहाड़ी पर जिसके अपन दर्शन करने चलेंगे कि इसी पहाड़ी से उस मुनि संघ के साथ से मुनि संघ में से निकलकर कुंदकुंद आचार्य देव सदेह विदेह क्षेत्र की यात्रा को चल दिए। कुंदकुंद आचार्य देव के जीवन की वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उन्होंने अपनी उस उपलब्धि का अपने किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया और यदि उनके परवर्ती आचार्य इस घटनाक्रम को नहीं बताते और शिलालेखों में यदि ये घटनाक्रम उल्लेखित नहीं होता तो शायद आज आप और हम इस बात को जान भी नहीं सकते थे। हुआ जो भी हुआ, 8 दिन तक वहां पर रहे और लौट करके भरत क्षेत्र में आए। कोई विशेष उपलब्धि लेकर के आए हो विदेश क्षेत्र जाकर के, सो बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि 6-7 गुणस्थान की दशा यहां से गए थे तब भी थी और वहां से आए तब भी थी, लेकिन तत्व ज्ञान की निर्मलता
और जिस मार्ग की आराधना वे कर रहे हैं उस मार्ग का साक्षात फल आचार्य कुंद देव विदेह क्षेत्र में देख करके आए। हालांकि ज्ञानी अपनी शुद्ध ज्ञान की परिणति में मार्ग के फल का दर्शन तो प्रति समय करते ही हैं। समझा गया? श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान तो उनको दिखाई देता ही है, लेकिन साक्षात केवल ज्ञान के दर्शन भरत क्षेत्र में अगर इस युग में किसी को हुए तो वे हमारे आचार्य कुंद देव हैं, कि जिनका नाम मंगलाचरण में तीसरे नंबर पर लेने में हम लोग गौरव का अनुभव करते हैं। जब भी कोई अपने परिवार का मुखिया किसी दूसरे देश में से आता है, अभी तो महाविदेश क्षेत्र में तो कुंद आचार्य गए थे, अपन महाविदेश क्षेत्र में नहीं जाते तो पर विदेश ही जाते हैं, तो विदेश जाते हैं तो भी अपने घर वालों को महाविदेश से कम नहीं लगता। समझ है कि नहीं है? मेरा बेटा वहां रहता है, मैंने कहा जैसे कोई महाविदेश क्षेत्र में रहता है। समझ है क्या? तो वो कोई भी आवे और चार पांच बैग साथ में लावे तो हम ये नहीं पूछते कि भाई साहब आपकी यात्रा कुशल मंगल हुई ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, ये कोई नहीं पूछते। वो तो हो गई और यात्रा करके आई गए हैं, ये बताओ तुम तो हमारे लिए इस बैग में क्या भर के लाए। इसी तरह जब आचार्य कुंद देव यहां पधारे होंगे, 8 दिन के अंतराल के बाद जब सारा संघ उनको मिला होगा, सारे संघ वालों ने मुनिराज से आचार्य भगवान से क्या कहा होगा, प्रभु आप कहां गए थे ये तो हमें पता लग गया, लेकिन अभी हमारे लिए क्या लाए। तो आचार्य कुंद देव उसके उत्तर में ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये जैन शासन की परमागमों की भेंट लाया। समझ में आ गया? और ऐसे अद्भुत से अद्भुत परमागम कि जिस परमागम ने परवर्ती आचार्यों की लेखनी की धारा को बदल दिया, अध्यात्म का जो रहस्योद्घाटन कुंद आचार्य देव की वाणी के माध्यम से हुआ, उनकी लेखनी के माध्यम से हुआ, उसके पहले भी शास्त्र लिखे जा चुके थे, लेकिन कुंद आचार्य देव ने जिन शास्त्रों की रचना की उनमें हमें साक्षात हमारे शुद्धात्मा का वेहो दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि आचार्य कुंद के पहले जो परमागम लिखे गए थे उनमें शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं थी, अरे जीवो मंगलम की चर्चा सठखंडागम में ही थी, ठीक नहीं थी? तो नहीं था, ऐसा नहीं, लेकिन उनमें से वो चर्चा निकालना वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे सिद्धांतों की ढेर में अध्यात्म था। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि अपने पोस्ट ऑफिस में अपन जावे और अपन अपने पोस्टमैन से पूछे भाई हमारी कोई चिट्ठी आई, तो वो कहता आई तो है लेकिन अभी छठी नहीं है, और आपको जल्दी हो तो आप छांट लो, ये 5-7 हजार चिट्ठियां रखी है, इनमें आपकी 1-2 चिट्ठियां हैं जरूर, आप छांट लो। कितने श्रम का काम है, और वही छांट करके जैसे वही चिट्ठी वो डाकिया ला करके अपने घर पे दे देवे, छांटी तो उन्हीं में से उसने, लेकिन वो छांट करके अपने घर में ला करके अपने को दे देवे, तो वो कितना सरल काम है। सिद्धांत में से अध्यात्म को निकालना, चिट्ठियों के ढेर में से अपनी चिट्ठी खोजना है, और आचार्य कुंद देव ने उस पोस्टमैन की तरह हमारे एड्रेस वाली चिट्ठी हमारे को ला करके दे दी कि ये है तुम्हारी चिट्ठी। आया? ऐसे समय सार परमागम की रचना इस क्षेत्र में हुई, मैं तो 2000 साल पहले की कल्पना करता हूं, 2009 में यहां आने का योग बना था, उसके पहले 2008 में यहां आने का योग बना, उसके बाद ये अभी योग बना, लेकिन उस समय भी जब यहां चर्चा हुई थी तो ये कहा था कि 2000 साल पहले के समय से अपने को जोड़िए, कैसे निर्जनों में आचार्य कुंद रहते होंगे और आत्मा की साधना करते होंगे, वो तो अपन जब पहाड़ पर चलेंगे तब अपने को पता लगेगा, है ना?
तो जब आचार्य कुंद ने पंच परमागम की रचना की, उनमें समय सार परमागम, अब हम ये नहीं कह सकते कौन परमागम कब बनाया, विदेह क्षेत्र के पहले कौन बनाया, बाद में कौन बनाया, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जो जो भी बनाया आत्मा के अनुभव की अनुभूति में कलम डुबो डुबो करके उन्होंने अक्सर लिखे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो समय सार, प्रवचन सार, पंचास्ती काय और अष्ट पावड़ ग्रंथों की रचना तो आचार्य देव ने अलग अलग उद्देश्यों से की। कौन किस उद्देश्य से की? अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को समझाने के उद्देश्य से समय सार की रचना की। जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से प्रवचन सार की रचना की, पंचास्ती काय की रचना की। और कुंद आचार्य के जमाने में जो एक शिथिलाचार दिगंबर जैन संप्रदाय में जो चल चुका था और जो एक अलग मत के रूप में अपना अस्तित्व बना चुका था, उसका निषेध करने के लिए और उनके प्रभाव से हम लोगों में, हमारे दिगंबर संतों में शिथिलाचार का प्रवेश नहीं हो जाए, इसके लिए आचार्य कुंद देव ने अष्ट पावड़ की रचना भी कर दी थी जीवन के अंतिम पड़ाव में। आचार्य कुंद ने सोचा होगा कि बहुतों के लिए बहुत काम हुए, अब एक काम अपने लिए है ना। और ये नियम सार परमागम की रचना का नंबर आया कि जिसमें आचार्य कुंद देव ने कहा कि यह नियम सार ग्रंथ जिनेन्द्र परमात्मा के उपदेश को जानकर मैंने निज भावना के निमित्त इसकी रचना की है। सोचो जरा, निज भावना के निमित्त रचना की है। अरे आचार्य कुंद देव का समय सार परमागम, जो कि एकदम अज्ञानी जीवों के लिए उन्होंने लिखा। बहुत से लोगों को शंका रहती है समय सार वो तो मुनियों के लिए है। मैंने कहा भाई साहब, मुनियों के लिए तो कोई ग्रंथ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे ग्रंथों के सार को जो पी जाते हैं उसी का नाम मुनि होता है ना। मुनियों के लिए तो कोई ग्रंथ होता ही नहीं है। अरे मुनिराजों के तो मुख से जो वाणी निकले वो ग्रंथ हो जाता है। तो मुनिराजों के लिए कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती। ये अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों के लिए ग्रंथ बनाया। और इस बात के भी अनेकों प्रमाण आपको गाथाओं में मिलेंगे। क्या कि अब अज्ञानी को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं, अब अज्ञानी निरंतर विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर समझ करके सावधान हो गया है ना, और आत्मा में अनुभव करने की प्रेरणा दी। आचार्य भगवान ने यह कहा कि तू उसमें लीन हो जा, तुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो लीन हो जा का उपदेश मुनिराज को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि मुनिराज तो आत्मा में आकंठ डूबे हुए होते हैं। अनेक प्रमाणों से यह बात सिद्ध होती है कि समय सार परमागम अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए बनाया गया। जब अज्ञानी जीवों के लिए जो ग्रंथ बनाया गया, उस ग्रंथ की गंभीरता को पहुंचने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। गुरुदेव श्री जब एक एक गाथा पर प्रवचन करते हैं, कहते आ गाथा घनी गंभीर छे, घनी सूक्ष्म छे। ठीक है, ये गाथा सूक्ष्म होगी। फिर अगली गाथा पर प्रवचन आया, प्रभु ऐसी बात कहीं है नहीं। फिर अगली गाथा पर प्रवचन आया, महाभाग्यशाली हो उसे इतनी गंभीर बात सुनने को मिलती है। मैंने कहा ये पहले कह रहे थे ये गाथा घनी गंभीर छे, फिर कहते ये गाथा घनी गंभीर छे, ये गाथा घनी गंभीर छे, मैंने है क्या? गुरुदेव कहते अरे एक एक गाथा गंभीर है जब जिसकी चर्चा चलती हो। तो अज्ञानी के लिए रचा गया समय सार परमागम अगर इतना गंभीर है, तो जिसकी चर्चा करते हुए गुरुदेव श्री अघाते नहीं थे, 1000 साल बाद अमृत चंद्र आचार्य देव उसकी टीका करने वाले निकले है ना। तो जो ग्रंथ आचार्य कुंद ने अपनी भावना के लिए बनाया हो, उसकी गंभीरता
शायद हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। वो विषय नियम सार में आए हैं कि जो विषय समय सार में भी नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने सबसे पहले समय सार की हिंदी टीका लिखी थी, तो उनने ये बात लिखी कि बहुत सा विषय इसमें ऐसा आया है कि जो समय सार में भी उपलब्ध नहीं है। और ये बात गुरुदेव श्री ने भी उनके आधार से कोट की है, और है। कारण शुद्ध पर्याय की बात, ध्वनि तो बौद्ध ग्रंथों में थी लेकिन कारण शुद्ध पर्याय की बात बताओ नियम सार के अलावा कहां थी। उपयोग में, उपयोग की जहां चर्चा करते थे तो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग माने केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने सकल प्रत्यक्ष। लेकिन कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग प्रकट हो उसका कारण रूप कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग तुझ में निरंतर वर्त रहा है, और निरंतर वर्तता हुआ वो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग कैसा है? वो स्वरूप प्रत्यक्ष है। अरे ध्रुव में ध्रुव का ध्रुव रूप प्रतिभास हो ही रहा है। ये चर्चा क्या, त्रिकाल को जानने वाला त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल मौजूद है। ये चर्चा अगर नियम सार के अलावा आपको कहीं मिले तो बताओ, बताओ, है ना। अब मैं नहीं कहता हूं भाई, ये सब बातें पूज्य गुरुदेव श्री अपने को बता के गए हैं और अपने हाथ में ये सारा का सारा खजाना सौंप करके गए, है ना। ऐसा अद्भुत दृष्टि के विषय की जितनी स्पष्ट चर्चा नियम सार में आई, कि जिस नियम सार में जीवादि सात तत्वों के समूह को परद्रव्य कह करके हे ही कह दिया, जिस नियम सार में छायिक भाव को भी उदय भाव, औपशमिक भाव, क्षोपसम भाव, छायिक भाव, ये परद्रव्य पर स्वभाव है, पर स्वभाव है इसलिए परद्रव्य है, और परद्रव्य है इसलिए उपादेय नहीं है, ये सारी चर्चा इस नियमसार परमागम में आई है। किसी भी ग्रंथ को सुनने के पहले जब तक उसकी महिमा हमारे चित्त में नहीं आएगी कि कितना गजब का यह ग्रंथ है, क्योंकि हमने अभी गुरुदेव का सीधा प्रवचन सुना ना, गुरुदेव के प्रवचन शुरुआत से सुनेंगे तब वो नियमसार की महिमा भी आपको इसमें शुरू में मिलेगी। नियमसार ये दो शब्दों से मिलकर के बना, कितने शब्दों से मिलकर बना, दो शब्द, नियमसार माने नियम और सार, नियम माने नियम से करने योग्य। लोग बोलते हैं ना नियम ले लो, नियम कुछ नियम है कि नहीं, तो गुरुदेव से पूछा कि आप नियम तो कुछ दिलाते नहीं हो। एक प्रश्न किया कि हम आपके पास आते हैं तो आप नियम तो कुछ दिलाते नहीं हो, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नियम करो आज से पुण्य और पाप नहीं करेंगे। कौन सा नियम करो है? कि पुण्य और पाप नहीं करेंगे, ये नियम करो। कि नियम माने नियम से करने योग्य कौन है, तो उन्होंने कहा दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नत्रय वो नियम से करने योग्य है। और उसके साथ में सार शब्द क्यों लगाया प्रभु आपने, कि विपरीत के परिहार हेतु सार पद परिकथित है। तो विपरीत की जब चर्चा आती है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से विपरीत क्या, तो हमारी नजर जाती सीधा सीधा रे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। भाई साहब जरा रुको, ठहरो, पहले ये नक्की करो ये ग्रंथ किसने लिखा, कुंदकुंद आचार्य ने लिखा, किसकी भावना के लिए लिखा, अपनी भावना के लिए लिखा। तो भैया कुंदकुंद आचार्य के पास मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या? नहीं। तो जो उनके पास है ही नहीं, जिसको वे मुनि बनने से भी बहुत पहले छोड़ाए, सम्यक दर्शन होते ही छोड़ाए, उनके निषेध की चर्चा क्या? समझ आ गया नहीं आ गया? कि जो है ही नहीं तो फिर विपरीत माने क्या? कि अरे भाई अभी हमको रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है,
लेकिन रत्नत्रय की पूर्णता के अभाव में, रत्नत्रय जब तक परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होवे तब तक उसकी पूर्णता के अभाव में राग की भूमिका में 28 मूल गुणादि का विकल्प आ जाता है, जिसको जिनागम व्यवहार चारित्र कहता है। ध्यान से सुनना जरा, बहुत मार्मिक बात है। राग व्यवहार से चारित्र नहीं है अशोक जी। बहुत से लोग कहते हैं व्यवहार, अरे व्यवहार से राग ना तो निश्चय से चारित्र है और ना तो व्यवहार से चारित्र है। श्यामलाल जी साहब, निश्चय से भी चारित्र नहीं और व्यवहार से भी चारित्र नहीं, राग तो अचारित्र है। लेकिन अचारित्र में चारित्र का उपचार करके उस अचारित्र को चारित्र कहने का नाम व्यवहार है। ख्याल में आ गया? और ऐसे व्यवहार चारित्र का निषेध करने के लिए सार शब्द डाला है। 28 मूल गुण का राग जो कि हमारी भूमिका में अचारित्र है, लेकिन उस अचारित्र के साथ में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि की दशा वर्तती है, वो चारित्र है। उस चारित्र का उपचार शेष रहे राग पर करके राग को चारित्र कहने का नाम व्यवहार चारित्र है। राग व्यवहार से चारित्र है ऐसा उसका अर्थ नहीं है। समझा गया? क्योंकि यदि राग चारित्र हो तो जो चारित्र हो उसको बढ़ाया जाना चाहिए कि मिटाया जाना चाहिए, नक्की करो। और जो शुद्धोपयोग की भूमिका में आगे आगे मुनिराज आरोहण करते हैं तो वो चारित्र बढ़ता है कि मिटता है? राग जिसे हम चारित्र मानते हैं, कि यदि वो चारित्र होता तो मिटता नहीं, बढ़ता। जो चारित्र था वो बढ़ा और जो चारित्र नहीं था, केवल चारित्र का जिसमें उपचार किया गया था वो मिटा। आपको पता होगा जिस समय मुनि दशा की दीक्षा ली जाती है अथवा आचार्य भगवान दीक्षा देते हैं, कुंदकुंद आचार्य भगवान ने इस जगह कितने भव्य जीवों को जैनेश्वरी दीक्षा दी होगी, कि जब दीक्षा देते हैं और दीक्षार्थी दीक्षा लेते हैं तब एकमात्र शुद्धोपयोग में रहने की प्रतिज्ञा होती है, शुद्ध सामायिक में रहने की प्रतिज्ञा होती है। ठीक है, प्रतिज्ञा बोली जाती है तब आचार्य कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा करने योग्य कार्य तो यही है, लेकिन यदि तुम्हारा उपयोग इसमें स्थिर नहीं रह सके तो अपवाद मार्ग के रूप में 28 मूल गुण का पालन करने का उपदेश देते हैं। अपवाद मार्ग के रूप में ध्यान दीजिए, 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा नहीं होती। क्या, क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? प्रश्न ये, क्यों नहीं होती प्रतिज्ञा? हैं कि प्रतिज्ञा जब जब भी होती है ऊंचा चढ़ने के लिए होती है, नीचे गिरने की कभी प्रतिज्ञा नहीं होती। और 28 मूल गुण का विकल्प भावलिंगी संतों को जब छठे गुण स्थान से गिर करके भी सातवें गुण स्थान में आते हैं, क्या तो सातवें गुण स्थान में से गिरकर छठे गुण स्थान की दशा में आते हैं तब उनको वह विकल्प आता है। तो भाई साहब, गिरने के लिए प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है क्या? है ना, इसलिए शुद्ध सामयिक की प्रतिज्ञा होती है। और आपने देखा होगा कि आज जो परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार शुरू हुआ, उस परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार का प्रारंभ आचार्य देव ने यहीं से किया। कहां से? जरा देखो, मैं आचार्य देव के मूल शब्द आपको पढ़ के सुना रहा हूं। टीकाकार के उन्होंने क्या कहा कि अब सकल व्यवहार चारित्र से और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है?
चेतन भाई प्रतिपक्ष माने विरोधी है ना, कि प्रतिपक्ष माने क्या होता है, अभी तो चुनाव का मौसम है तो कोई बताने की जरूरत नहीं, ये नेता प्रतिपक्ष हैं, बताने की जरूरत नहीं ना, नेता प्रतिपक्ष माने कि ये विरोधी दल के नेता हैं। हल में आ गया कि नहीं आ गया, तो यहां पे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहां पे, कि अब सकल व्यवहार चारित्र के चारित्र व्यवहारिक चारित्र से और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष, यानी क्या मतलब हुआ कि ये जो हम परमार्थ प्रतिक्रमण की चर्चा कर रहे हैं, कि ये परमार्थ प्रतिक्रमण कैसा है, तो उन्होंने कहा कि व्यवहारिक चारित्र और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष है। व्यवहार चारित्र माने क्यों, कि इसके तुरंत पहले अभी व्यवहार चारित्र का एक अधिकार आया था, आया था व्यवहार चारित्र का अधिकार, इसके पहले आया है मैंने ये अपने शुद्ध भाव अधिकार के बाद व्यवहार चरित्र अधिकार आया। तो गुरुदेव से प्रश्न किया किसी ने कि व्यवहार चरित्र की बात पहले क्यों की, बहुत से लोग तो इसमें से ऐसा अर्थ भी निकालते हैं कि देखो आचार्य कुंद कुंद देव ने शुद्ध भाव अधिकार लिखने के बाद व्यवहार चरित्र अधिकार लिखा, इससे ये नक्की होता है कि व्यवहार पहले होता है और बाद में निश्चय होता है। मैंने कहा भाई साहब हमारे यहां पर एक पद्धति है कि दुष्टम प्रथम वंदिया, कि दुष्ट को पहले वंदन कर लेना चाहिए ताकि वो आगे खटपट 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 नहीं करे, समझ आ गया, तो पहले व्यवहार चारित्र का ज्ञान करा दिया, क्योंकि होता व्यवहार चारित्र होता हुआ दुष्ट है अनिष्ट है घातक है ये मैं नहीं कहता हूं, समय सार कलश के 108 नंबर के कलश में पंडित राजमल जी साहब कहते हैं, पढ़ लेना खोल के, 100 होता हुआ नहीं होता ऐसा नहीं है, नहीं हो अगर व्यवहार चारित्र नहीं होवे तो या तो दो बातें होंगी कि या तो वो आत्मा केवल ज्ञानी होगा और या वो आत्मा मिथ्या दृष्टि होगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को व्यवहार चारित्र नहीं होता और केवली को व्यवहार चारित्र नहीं होता। साधक है तो जब तक साध्य दशा पूर्ण दशा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसको व्यवहार चारित्र तो होगा, लेकिन होता हुआ कैसा है, तो उन्होंने कहा होता हुआ दुष्ट है। दुष्ट का मतलब क्या है, वो हाँ अनिष्ट है घातक है, ये तीन शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, लेकिन है घातक भी है तो है, दुष्ट भी है तो है, अनिष्ट भी है तो है, अरे है तभी तो अनिष्ट है, अगर होता ही नहीं तो अनिष्ट भी कैसे होता, ख्याल में आ गया नहीं, तो उसकी सत्ता तो है लेकिन वो है कैसा, है ऐसा। तो आचार्य भगवान ने कहा कि ये जो व्यवहार चारित्र है और व्यवहार चारित्र का फल क्या है, रागादि विभाव किए जितने आकुलता उनका फल पाया, कि उसका फल आकुलता है, अरे उसका फल स्वर्ग गति की प्राप्ति है, तत्काल फल स्वर्ग गति की प्राप्ति और थोड़े काल का फल, थोड़े काल बाद क्या मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। तो मैं पूछता हूं आपसे कि कुंद कुंद आचार्य देव से अभी जाकर के पूछो, प्रभु मजे में हो, कुंद कुंद आचार्य देव से पूछो। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं ऐसी कि गुरुदेव श्री जब भरत क्षेत्र में से जिन शासन की प्रभावना करके कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा प्रवर्तित शासन की प्रभावना करके स्वर्ग में गए होंगे, वैमानिक में गए, अब जाते ही पहले देव क्या करते हैं, सबसे पहले जिन मंदिर की वंदना करने जाते हैं, ज्ञानी देव होते हैं ना, सबसे पहले भगवान याद आते हैं उनको, जैसे अपन लोगों को अखबार याद आता है ना, हाँ क्लोजिंग बैलेंस कल क्या था, आज का ओपनिंग बैलेंस क्या है, अपने को वो याद आता है, इसी तरह उनको भगवान याद आते हैं। मैं कहा चलो भगवान के दर्शन करने के बाद कुंद गुरुदेव श्री ने क्या सोचा होगा,
तो अरे जिन कुंद कुंद आचार्य के शासन की प्रभावना हमने की, जिनके समय सार के माध्यम से हमारे पर अपार उपकार हुआ, चलो उन कुंद कुंद आचार्य देव से मिल ले वे, क्योंकि अभी तो वही है ना वो भी। तो कुंद कुंद आचार्य के पास गुरुदेव गए। कुंद कुंद आचार्य अपनी मंडली के साथ में बैठे हुए थे, तब तो चर्चा कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। गुरुदेव ने जाकर के कहा, अब तो जय जिनेन्द्र होगी कि जय जिनेन्द्र प्रभु। गुरुदेव कुंद कुंद आचार्य, भाई तुम कौन? कह रहे मैं वो पहचाना नहीं आपने, विदेश क्षेत्र में अपन मिले थे एक बार, और आपके शासन की, आपके समय सार की प्रभावना हमने हमने वहां पूरे देश में फैला, मतलब जो भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर गुरुदेव ने पूछा होगा, प्रभु केम छो मजामा, कि तुम यहां भी अपनी गुजराती बोलोगे हैं? तो फिर के भाई तुम्हारा तो विशेष कोई नुकसान नहीं हुआ। कुंद कुंद आचार्य ने गुरुदेव से क्या कहा होगा कि तुम्हारा तो विशेष कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तुम पूछते हो मजा में हो, मजा में छो, मजा में हो, कि भाई हम मजा में नहीं हैं, हम तो सजा में हैं। मजा में नहीं हैं, हम तो सजा में हैं, हम तो सजा भोग रहे हैं। क्या मतलब? कि अरे सातवें गुणस्थान की दशा से चौथे गुणस्थान की दशा में आ गए, असंयम की संयम की दशा में आ गए, संयम की दशा से असंयम की दशा में आ गए। इसे मजा में बोलोगे कि सजा में बोलोगे? जरा बताओ। तो जिसके फल में सजा मिले अपने को नहीं लगता, लेकिन ज्ञानी संतों से पूछो कि क्या सजा है ये। अतिंद्रिय आनंद भोगते थे, वहां अतिंद्रिय आनंद कितने कितने लंबे काल बाद मिलेगा, है ना? तो इसलिए उन्होंने लिखा कि ये व्यवहार चारित्र से प्रतिपक्ष भूत, क्योंकि अभी यहां पर चर्चा परमार्थ प्रतिक्रमण की कर रहे हैं, तो परमार्थ प्रतिक्रमण कैसा है ये बता रहे हैं। और जब व्यवहार चारित्र की चर्चा करेंगे तो ये कहेंगे कि शुद्ध चारित्र से प्रतिपक्ष भूत। प्रतिपक्ष का मतलब होता है विरोधी, कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन कैसे विरोधी हैं? कि एक साथ रहने में विरोध नहीं है, एक होने में विरोध है। एक साथ रह सकते हैं लेकिन विरोधी, जैसे शतरंज के दो खिलाड़ी, कि शतरंज के दो खिलाड़ी वो एक साथ खेलते तो हैं, लेकिन एक साथ खेलने पर भी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, है कि नहीं? क्यों? अगर एक दूसरे के कट्टर विरोधी नहीं होवे तो खेलने में आनंद नहीं आएगा। दोनों दोस्त हैं और एक एक को कोई बाजी नहीं आ रही हो और दूसरा बता दे कि मैं तेरे को बताता हूं, कि जब मैं तू मेरे को बताएगा तो फिर खेल काहे को रहा है? समझ आए कि नहीं आए? इसी तरह व्यवहार कहे कि निश्चय मैं तेरी मदद करता हूं, अगर जब तुझे मेरी मदद करना है तो तू व्यवहार क्यों है? निश्चय बन जाना भैया। लेकिन ये व्यवहार चारित्र है, ये बताता है कि मैं निश्चय से अचारित्र हूं। बंद का कारण, पंडित टोडरमल जी साहब ने तो लिखा, बंद का कारण सो ही मोक्ष का घातक है, ये शब्द का प्रयोग किया है। पढ़ो जरा जिनवाणी खोल के आया, प्रतिपदन करने वाला कैसा अधिकार, ऐसा जो शुद्ध निश्चय नयात्मक परम चारित्र उसका प्रतिपादन करने वाला परमार्थ प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है? वापस मुड़ जाना। भूतकाल का प्रतिक्रमण होता है, वर्तमान की आलोचना होती है, भविष्य काल का प्रत्याख्यान होता है, और ये तीन काम करने के लिए एक ही काम करना होता है। तीन काम करने के लिए तीन काम नहीं करना पड़ता। क्या काम करना पड़ता है? कि वर्तमान उपयोग को वर्तमान शुद्धात्मा के सन्मुख होने पर तीनों काम हो गए। भूतकाल का प्रतिक्रमण हो गया, वर्तमान की आलोचना हो गई, और भविष्य काल का प्रत्याख्यान हो गया। हालांकि अलग अलग अधिकारों में आचार्य देव उनका वर्णन करेंगे, लेकिन होता एक समय में ये तीनों है। तो वो यहां पर कह रहे हैं, देखो कि प्रतिपादन करने वाला परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार कहा जाता है। वहां प्रारंभ में
पंच रत्न के, पंच रत्न का स्वरूप कहते हैं पंच रत्न। रत्न जैसी गाथा, एक रत्न मिल जाए ना अपने को, एक रत्न तो अपने पैर जमीन पे नहीं टिके, टिकना भी नहीं चाहिए। अगर टिके तो फिर वो रत्न कैसा, उसके बाद भी रत्न मिलने के बाद भी पैर जमीन पर टिके तो फिर वो रत्न कैसा। तो यहां पर अपने को पंच रत्न जैसी गाथाएं आचार्य कुंद कुंद देव ने ली। शुद्ध भाव अधिकार में कितना जोरदार विषय आया, आया कि नहीं आया, लेकिन किसी गाथा के लिए पंच रत्न शब्द का प्रयोग नहीं किया टीकाकार ने। हालांकि कुंद कुंद ने भी शब्द प्रयोग किया है, टीकाकार ने किया, लेकिन इस अधिकार की पांच गाथाओं के लिए पंच रत्न शब्द का प्रयोग किया है। बहुत गजब का, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इन गाथाओं में वर्णित विषय, क्योंकि चारित्र का विषय है और चारित्र का भी वो विषय कि यदि ये विषय हमारे ख्याल में आ जावे तो पहले एकत्व बुद्धि का प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण टलता है और बाद में अस्थिरता संबंधी प्रतिक्रमण टलता है, अप्रतिक्रमण, और सच्चा प्रतिक्रमण अपने जीवन में प्रकट होता है और अपन मोक्ष तक की यात्रा करते हैं। अभी खाली पंचरत्न गाथाओं का और खाली हिंदी गाथाओं का पद्यानुवाद का पाठ करके अपनी चर्चा पूरी कर रहे हैं, बाद में चर्चा करेंगे इस पर। नारक नहीं तिरियंच मानव देव पर में नहीं करतान का रहता नहीं करतानुमंता में अर्गेणा के स्थान नहीं गुण तान जीव स्थान नहीं करता न कारयता नहीं करतानुमंता में नहीं बालक नहीं मैं वृद्ध नहीं नहीं युवक तीन कारण नहीं करता न कारयता नहीं करतानुमंता राग नहीं मैं द्वेष नहीं नहीं मोह तीन कारण नहीं करतान का रहता नहीं करतानुमंता में नहीं मैं क्रोध नहीं मैं मान नहीं माया नहीं तानु मोदक में नहीं